हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल समन पॉइंट जीरो गेम प्ले में। और यार हमारा चैप्टर चल रहा है ऐश ग्रे, तो यार बहुत सारा ख़त्म हो गया था हमारा और आज हमें जाना है वहाँ पर फ्यूचर सिटी में। तो चलते हैं यार, जंगल से निकल चुके हैं हम लोग। और यार मैं सॉरी कहना चाहूँगा सभी लोगों को यार, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो भी देखता है मुझे, कितने दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा था यार। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, नहीं डाल पा रहा था, लेकिन यार अब से थोड़ी सी अभी भी है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है तबीयत ख़राब, तो मैंने शुरू कर दिया अब डालना इससे। और कुछ क्वेश्चन भी आए थे कॉमन जो आए थे उनके बारे में बता देता हूँ मैं। तो पहला क्वेश्चन था कि आल इन वन एमटी, इनका चैनल का नाम फिलहाल अभी पोके फैन एमटी है, तो उनका नाम क्या है रियल नेम? तो भाई रियल नेम मुझे जो पता चला है, उन्होंने जो बताया है उस हिसाब से मैं उनका पूरा नाम तो नहीं बताऊँगा, पूरा आप उन्हें पूछिएगा, मैं आधा बता देता हूँ, यानी कि उनका केवल नेम। तो उनका नेम है अब्दुल, अब्दुल नाम है उनका। और वो जहाँ तक मेरे ख्याल से म्यू टू के बहुत बड़े फ़ैन हैं, म्यूटी पोकेमोन के बहुत पसंद है, तो उसी के फैन है वो हिसाब से। हाँ तो ये पहला क्वेश्चन था, तो मैंने बता दिया आप लोगों को पोके फैन एमटी का रियल नेम क्या है। और दूसरा क्या था कि डिग्लिट, हाँ ज़्यादातर क्वेश्चन ये था कि डिग्लिट के नीचे क्या है, मतलब अंडर, डिग्लिट के अंडर में क्या है। तो यार देखिए इसका क्वेश्चन मैंने मतलब कि बहुत जो मुझे पता था अपने हिसाब से भी, और मैंने बहुत भी ढूंढा भी इसे, तो इसका ये पता चला है कि अभी तक इसमें डिक्लेयर कुछ सही से हुआ नहीं है कि क्या है डिग्लिट के अंदर नीचे पैर हैं कि क्या है। बस बहुत सारे फैन मेड थ्योरीज हैं, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं फिलहाल, तो डाल दूंगा फिलहाल। वैसे एक जो सबसे खास मुझे थ्योरी लगी वो यही है, जो कि मिस्ट्री डंजियन रेड रेस्क्यू टीम या ब्लू रेस्क्यू टीम जो भी है, तो उसका था मतलब कि, तो वहाँ पर बताया गया कि डिग्लिट खुद बोलता है कि मेरे पैर जो है वो एकदम नॉर्मल हैं, जैसे बाकी सबके पैर होते हैं वैसे ही हैं मेरे भी। हो सकता है आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो, तो वैसे ही जैसे सबके पैर होते हैं, यानी जितने पोकेमोन हैं सबके पैर नॉर्मल जैसे होते हैं, ऊपर हाथ नीचे दो पैर, तो वैसे उसके भी हैं। लेकिन फैन मेड थ्योरी ये भी, इसको इसको सच इतना नहीं कह सकते हम लोग, खाली गेम के अंदर बताया गया है ये, तो इसलिए सच में डिक्लेयर कुछ भी नहीं हुआ फिलहाल तो भी, लेकिन यार देखते हैं क्या होता है आगे। तो यही थी यार बात, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लोग जाके देख सकते हैं। बहुत सी मतलब कि बहुत से रिसर्चेज भी ऐसा कर सकते हैं कि हो चुका है इनके ऊपर। तो यार यही बात थी बस, और कुछ नहीं था ज़्यादा इसके बारे में। दो क्वेश्चन भी मोस्टली कॉमन थे, इसलिए मैंने दो को बता दिया है। और यार यहाँ पे देखिए हम लोग ब्रॉक से लड़ने आए हैं फिलहाल, बहुत खतरनाक यहाँ तो लड़ाई चल रही है, सैंड अटैक देते हैं असर होता है कि नहीं, कुछ नहीं हो रहा असर यार इस पर, तो टैकल का देखते हैं असर होता है, टैकल का असर हो रहा है यार बहुत सही, लेकिन यार रॉक थ्रो तो मुझे पेंट करने के चक्कर में है फिलहाल ये। कोई बात नहीं, हम लोग भी दोबारा आएंगे लड़ लेंगे इससे, अब किया यार पहली बार तो हम लोग हार, जैसे आज हार गया वैसे मैं भी लग रहा हारूंगा आपकी, लेकिन दूसरी बार हम लोग जीते ही यहाँ से। देते हैं इसको हम लोग थंडर शॉक दें क्या? हाँ यार थंडर शॉक देते, कोई कटाक देते हैं, इतना असर होता है कि नहीं, इफेक्टिव नहीं है यार फिलहाल, क्योंकि यार ये इलेक्ट्रिक टाइप है और वो है ऑनिक्स, जानते हैं आप लोग रॉक टाइप को है थोड़ा सा, वो भी मेल है ये भी, मतलब मेल तो नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं है। चलो यार पैरालाइज हो गया फिलहाल ऑनिक, देखते हैं हो सकता है हम लोग हरा दें, उम्मीद है हराने का। अरे यार देखते हैं, अपने पास पोर्शन है, एंटीडोट है, और बस एंटीडोट है यार। अरे यार शिट, आज तो गए। चलो यार अभी ले लेंगे, उन्हें पोर्शन खरीद लेंगे ऐसी कोई बात। अरे यार बस अटैक मिस हो जाए इसका एक, बहुत सही बस गया। अरे यार हमने पहली बार में हरा दिया यार, बहुत सही यार, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। वो चल ब्रो क्यों तो पहली बार में हार गया। योर पोकेमॉन आर नॉट पावरफुल, अरे पावरफुल नहीं ना, इनफ टू चैलेंज मी, कम बैक व्हेन यू आर गॉटन स्ट्रॉन्गर। अरे यार एक बार तो जीत चुका हूँ, दोबारा क्यों हूँ मैं यार? ये स्टोरी ऐसी अब से ये कि अंकल जा गए फ्लिंट, मेरे साथ आओ बेटा, तुमको ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ पे तुम, अरे कहाँ पे आ रहे हैं, एवरीवन लूजर्स, सब लोग पहली बार में हार सकते हैं, लेकिन लेट देन गेट यू डाउन, ब्रॉक इज वेरी गुड हिज टेयर। मैंने तो हरा यार, क्यों इतना बार बात कर रहा है, कोई बात नहीं यार फिर भी हम लोग दोबारा हराएंगे, सो ऐसी कोई टेंशन नहीं ना मुझे, आ जा। तो यार आप लोग भी नीचे कमेंट करिए कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरीके से, मैं आप बताऊंगा, रेगुलर वीडियो लाने की कोशिश है मेरी पूरे तरीके से, हर रोज कम से कम दो या तीन वीडियो में लाऊंगा। चलो यार लाइट बॉल भी इन्होंने दे दिया मुझे, इसका ना जाने क्या यूज है, कुछ पता नहीं ना फिलहाल मुझे, चेक करते हैं हम लोग अपने पोकेमॉन कैसे हैं।
फिलहाल सब फेंट होने के चक्कर में हैं। पहले सबसे पहले मुझे जाना है पोकेमोन सेंटर में यार। हाँ यहाँ पर आ यार, जल्दी से हील कर दो यार नर्स जॉय। चलो इन्होंने तो हील कर दिया है। पहले मैं पोकेमोन थोड़ा स्विच कर लेते हैं हम लोग यार। हाँ इसको मेटापॉट को हटाते हैं, यहाँ पे रखते हैं पिजियोटो को। ये क्या हुआ, सॉरी। स्विच टू पिजियोटो। चलो यार हो गया काम, अब थोड़ा सा पोर्शन खरीदना जरूरी है ताकि लड़ाई के बीच में हमको बोल ना सके ब्रॉक के तुम हार गए। तो पहले खरीदते हैं हम लोग, पैसा हमारे पास फिलहाल तो है 4,000, तो हम लोग सबसे पहले खरीदेंगे पोर्शन। खरीदूँ क्या? हाँ यार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हाँ 7 सही रहेगा मेरे ख्याल से। एंटीडोट की ज़रूरत कोई पड़ती नहीं ना कुछ, क्योंकि कोई खास पोकेमोन ना कुछ खास ऐसा मूवी यहाँ पे है नहीं जो कि हमारे ऊपर असर करे। तो मेरे ख्याल से पोर्शन ज़्यादा लेने चाहिए, जो कि मैंने ले लिया है। चलो यार फिर आएंगे यहाँ पर। फिलहाल ब्रॉक को हराने की तरह है जिम ये है। चल ब्रॉक आ जा यार। यार बताओ मैं जीत के कैसे आ रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा। गेम वाले पहले से कुछ डिफ़ॉल्ट सेटअप करके रखा है इसलिए मैं ये हुआ, इसमें पहली बार में जीत गया। देखिए ये आ गया आपकी जियो रूड। देखते हैं इसको गश, देखते हैं असर होता है कि नहीं। ज़्यादा असर तो नहीं हो रहा यार। बहुत सही डिफेंस करता रहे। टैकल देते हैं, सकता असर हो। नहीं हुआ यार, इसको गश्त ही देना पड़ेगा मेरे ख्याल से। अरे यार बुलाते हैं, ऐसा करते हैं पिकाचू को यार, पिकाचू लड़ सकता है मेरे ख्याल से। इस वजह अपना थंडर शॉक, मेरा मतलब थंडर बोल्ट असर होगा कि नहीं। हाँ थोड़ा सा हो तो रहा है यार असर। मर्स फ्रॉट कोई असर नहीं होगा मुझे तो, इसको तो पिकाचू ही पेंट करेगा लग रहा है। अरे यार टैकल दे रहा है। चलो पैरालाइज तो कर दिया हम लोगों ने, क्या करूं यार इसको। थंडर बोल्ट ही देते हैं हम लोग। टैकल यूज कर रहा है फिर भी यार, अब लग रहा है पोर्शन देना जरूरी है पोकेमोन को पहले। चलो यार एचपी इतनी बढ़ गई है, कोई बात नहीं। पहले इसको एक अटैक दूंगा फिर उसके बाद पोर्शन दूंगा खुद को। कोई बात नहीं, डिफेंस कल यूज कर ले बेटा, जितना मर्जी उतना यूज कर ले तू। और ये हो गया फेन। अरे यार नो नो नो, पिकाचू बहुत सही। और ये हो गया फेंट की। अरे यार फिर बच गया, इसको लाट देते हैं क्विक अटैक। चलो गया ये तो। चलो यार पिकाचू अपना गेन कर लिया है एचपी। चलो यार ये क्या हुआ, ली वॉनिक्स एलॉन आवर ब्रदर वर्क हार्ड टू रेज। तो यार ये सब चिन्नी मुन्नी जो भी है इनके सब भाई बहन, इसे मदद करने है कि ब्रॉक हार नहीं सकते, तुम इनको हरा दो। तो यार दोबारा फिर मैच करना पड़ेगा मुझे इससे, इस बार इसके पास है ऑनिक्स। सबसे पहले हम लोग अपने पोकेमोन का यार वो देते हैं, आप लोगों को पता ही देना है पोर्शन। अपने पिकाचू को यार बहुत ज़रूरी देना, जो कि बस हो गया काम अपना। अब बुला देते हैं सामने पिकाचू की, बता देते हैं क्या ताकत अपने पिकाचू की यार। हलवा में लेके थोड़े रखा है मेरे पिकाचू को तुमने। हाँ यार अब जाएगा यार। अरे यार बच गया, बहुत सही। जस थंडर बोल्ट बराबरी पे आ गया, लेवल 13 लेवल 14, थोड़ा बराबरी पे तो हूँ मैं, ये बात तो है। रॉक थ्रो दे रहा है मुझे भी, कोई बात नहीं, मैं भी थंडर शॉक पे अटैक थंडर बोल्ट मतलब देता रहूँगा। हरा दे यार इसको पिकाचू, थंडर शॉक, फिर रॉक थ्रो दे रहा है मुझे यार। थंडर बोल्ट भी हम लोग के पास नहीं है, नहीं तो हम लोग इतना मज़ा आता है इसको देने में। अरे यार फेंट ना कर दिया, अब तो लग रहा पहले देना पड़ेगा अपने पोर्शन। बहुत सही,
थंडर शॉक, सॉरी यार बड़ा भूल जाता हूँ। मेरे को मतलब वही पसंद है ना ज़्यादा मूव, मुझे वही पसंद है, थंडर बोल्ट पसंद है थंडर शॉक से ज़्यादा, सबको ज़्यादा पसंद रहता है पिकाचू का वो मूव। तो वैसे मुझे ही पसंद है यार। अरे यार यहाँ पोर्शन पे पोर्शन ख़त्म हो रहे हैं, ऊपर से ये और अटैक पे अटैक कर रहे हैं मेरे ऊपर। बस यार दो थंडर शॉक इसको और देना, इसका जिसके काम ख़त्म है पूरी तरीके से। हाँ यार एक कॉमन क्वेश्चन और था, थोड़ा सा मतलब कह रहे थे सर लोग कि थोड़ा सा वो करो, मतलब कॉमेडी लाओ या फनी लाओ, हाँ फनी करो वीडियो को। तो यार उससे भी मैं कोशिश करूँगा आपसे। और सेकंड चैनल पर रही यार ये क्या हो रहा है, सॉरी कंट्रोल में दिक्कत है थोड़ी सी। बस यार गया ये, बस लास्ट, अरे यार रॉक थ्रो दे रहा है, लास्ट है यार, बस गया अपना पिकाचू का थंडर शॉक, ये ले। चलो यार हरा दिया हम लोगों ने इसे। पिजियोटो को भी लेवल 12 पहुंच गया है, दोनों पोकेमॉन ग्रो हो रहे हैं साथ में। चलो यार हरा दिया, बॉर्डर बैज मिल गया हम लोगों को और पैसा भी तो मिला ही है। वेट टेक दिस विथ यू, TM39 मिल गया यार, क्या है ये? टेक्निकल मशीन कंटेन ए टेक्निक ऑफ पोकेमॉन यूजिंग द टीएम टीचेस, ये पता नहीं हो रहा है टीएम से हम पोकेमॉन को नया मूव दे सकते हैं। इसका ये जो मूव हमें मिला लेवल TM39 ये है रॉक टॉम्ब। चलो यार बेटर एंड बीइंग काइंड ऑफ ऑल पोकेमॉन। चलो यार बकवास कर रहा है बाकी, मतलब बकवास नहीं कर रहा, थोड़ा समझा रहा है मुझे, लेकिन हम लोग ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करना चाहते। ये कौन है? फ्लिंट ब्रॉक, यू गो फॉलो योर ओन ड्रीम, तुमने ड्रीम पे जाओ। इसके पिता हैं यार ये तो। हाँ यार एनवे में दिखाया गया था, आई कुड नॉट बिकम द ग्रेट पोकेमॉन ट्रेन, आई वॉन्ट टू बी बिकॉज आई वॉज सच ए फेलियर, आई वॉज टू अशेम्ड टू गेट गो बैक टू माई फैमिली, बट इस टाइम आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ माई फैमिली ब्रॉक। यार अपने फैमिली को छोड़ के चले गए थे पोकेमॉन ट्रेनर बनने के लिए, लेकिन फिर भी ये फेल हो गए वहाँ पे भी जाके, तो ये वापस आ गए मैंने फैमिली को संभालने के लिए। तो कह रहे हैं ब्रॉक तुम अपने सफर पे आगे जाओ। तो यार चलते हैं हम लोग, किधर से जाऊँ यार, रैंकल जेटो सामने से लग रहा है, इधर से जाना पड़ेगा। किन से बात करूँ क्या, आई हैव डिसाइडेड टू वॉच, लग रहा है इधर से जाना पड़ेगा, अरे अंकल जाने नहीं देंगे उधर से। तो चलो यार हमें मिल गया बैच, चलते हैं फिलहाल हम लोग पोकेमॉन सेंटर में। कहाँ यार ये है। फ्रेंड्स आज की वीडियो मेरे ख्याल से यहीं तक रखनी चाहिए हम लोगों को, कल हम लोग जाएंगे अपने आगे के सफ़र पर, देखते हैं हमारे साथ आगे क्या होने वाला है, कौन कौन सी नई नई घटनाएँ घटने वाली हैं, मुझे नए नए पोकेमॉन भी पकड़ने आप लोगों को पता है। और जो भी आप लोगों का कमेंट हो या सवाल हो बवाल हो सब नीचे डाल दीजिएगा, हम लोग कल जाएंगे अपने आगे के सफ़र पर। वही लड़के क्या कर रहे थे इधर? तो यार जो भी हो आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा। और पोके फैन एमटी का नाम तो पता चली गया आप लोगों को, उनका नाम अब्दुल है। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।